सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने शौक को पूरा करने एवं शानो शौकत से रहने के मकसद से लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले नाबालिग चोरों को सुपेला थाना पुलिस ने टीम के साथ पकड़ने में सफलता पाई है। ताजा मामले में प्रार्थी पंकज अग्रवाल सुपेला निवासी, जिनकी गणेश मार्केट सुपेला स्थित प्लास्टिक की दुकान में 10 एवं 11 के दरमियानी रात चोरी हो गयी थी, जिसमे 70,000 रूपए चोरी हुए थे। इसकी पड़ताल में नाबालिग चोरों को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यापारी है पंकज अग्रवाल, गणेश मार्केट में इनकी दुकान है प्लास्टिक वगैरह की। इनके दुकान में से बीती रात में कुछ ताला तोड़कर किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया करके की रिपोर्ट पर पुलिस ने 457-300 CIPC के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिवेट करते हुए पतासाजी कर रहे थे कि सूचना पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के कुछ नाबालिग विधि संघर्षरत बालक हैं जो पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए, उनका इसमें हाथ है। कि सूचना पर पुलिस ने उन बच्चों को पूछताछ हेतु तलब किया। तलब करने के उपरांत फिर पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकारते हुए जो चोरी की जो माल है नगद 70,000 के आसपास चोरी हुई थी, जिसमें से पुलिस ने कुल टोटल 50,000 के आसपास मसरूखा बरामद कर लिए और तीनों संघर्षरत विधि संघर्षरत बालकों को परिरुद्ध कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया।